हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब हम देखेंगे अगर वीडियो कितना बड़ा होता है, अगर वीडियो सही रहा तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ ही आइसोबोरिक या आइसोकोरिक प्रोसेस दोनों में से एक प्रोसेस और कर लेंगे, बट देख लेते हैं कैसा क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट्स करें, क्योंकि आपके ये प्यारा कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है, क्योंकि आप हमें मोटिवेशन की जरूरत है। और आपका आप हमें मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं आपको पता है, अब एक प्यारा सा कमेंट्स लिखो और वही हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक होगा। तो दोस्तों प्लीज ऐसा एनर्जी ड्रिंक हमें देते रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। और राहुल सर कैसे हो? राहुल सर है ही यहाँ पे नहीं है, और तू बोल रहा राहुल सर कैसे? तो आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है दोस्तों कि जिस भी प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, टेम्परेचर क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, और उसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होता है चेंज होता है। जिस भी प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है और इसके अंदर प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होता है चेंज होता है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच चेंज इन अ प्रेशर एंड अ वॉल्यूम टेक प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बोल दिया कि जिस भी प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता है एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, जैसे एक बार जो टेम्परेचर हमने दे दिया वैसे का वैसे ही रहे, वो काम ज़्यादा नहीं होगा, पूरा प्रोसेस होने तक टेम्परेचर वैसे का वैसा ही रहेगा। और ऐसा जहाँ भी प्रोसेस होता होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, अ प्रोसेस इन विच चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दिस प्रोसेस वी कॉल्ड एज अ क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो दोस्तों अब नेक्स्ट में चलता हूँ। जैसे हमने अजप्शन में उसी दिन मैंने बताया था कि हम आइडल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, आइडल गैस इक्वेशन। ओके दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करने से पहले, जैसे आपने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ तो सुना ही होगा, तो बॉयल्स लॉ इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर द आइसोथर्मल चेंजेस गिवन, मतलब बॉयल्स लॉ आपको पता है पीवी इक्वल टू एन आर टी। ओके, जिसके अंदर पीवी क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। आर तो आपको पता है आर क्या है हमारा, ये आर की वैल्यू भी है कॉन्स्टेंट होता है, ये n की वैल्यू भी क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों ओवरऑल n r t तीनों के तीनों कांस्टेंट है, तीनों के तीनों क्या है कांस्टेंट है, तो इसलिए p v इक्वल टू क्या लिखा है कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ आपको पता है ना, बॉयल्स लॉ में क्या होता है टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए यहां लिखा है p v इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, क्योंकि यहाँ एन आर टी होता है, एन भी आर तो कांस्टेंट होता है, एन तो कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर भी क्या है कांस्टेंट, तो ओवरऑल क्या हो गया पी बी इक्वल टू कांस्टेंट। किसके कौन सा इक्वेशन हमने यूज किया? बॉयल्स लॉ इक्वेशन। अब आगे चलेंगे, एक एक को लेंगे। पी आई वी आई इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम आर इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट रिस्पेक्टिवली, देन फॉर द आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल चेंज आपको पता है दोस्तों, देखो पी आई वी आई इक्वल टू पी एफ वी एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैंने बता दिया मैंने कॉन्स्टेंट क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि पी वी इक्वल टू क्या होता है एन आर टी, तो एन तो कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट है, मतलब एन कॉन्स्टेंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो होगा 1, 2, 3, 4 कॉन्स्टेंट है, आर की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट होती है, आर की वैल्यू फटाफट लिखो चलो। और टी दोस्तों, टी ये हमारा टेम्परेचर भी क्या होता है, टेम्परेचर भी दोस्तों क्या होता है कॉन्स्टेंट, यहाँ आइसोथर्मल की बात करें तो टेम्परेचर क्या हो कॉन्स्टेंट, इसीलिए इनिशियल और फाइनल इक्वल टू क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट, क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट, क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी वी दोनों के लिए एन आर टी, दोनों का फॉर्मूला वही होगा बॉयल्स लॉ का, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी, देयरफॉर दोनों इक्वल टू क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा। ओके, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। द वर्क डन इन द इन्फिनाइटिसिमली स्मॉल आइसोथर्मल एक्सपांशन इज गिवन बाय डी डब्ल्यू। चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा क्या है दोस्तों सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर मैंने पिस्टन लगाया हुआ है, पिस्टन है हमारा, मान लो पिस्टन समझ लेना पिस्टन है भाई, अरे मैं नीचे से कॉन्स्टेंट हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब कॉन्स्टेंट हीट दे रहा हूँ, हीट देने के कारण ये अंदर का जो मॉलिकल्स होगा क्या होगा, मॉलिकल्स क्या करेगा इसके ऊपर, इस बार जो सिस्टम होगा, जो सिस्टम ये गैस होगा इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, क्या करेगा इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसके कारण ये धीरे 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 क्या होगा ऊपर एक्सपांड होगा, धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों ऊपर की तरफ धीरे 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 एक्सपांड होता चला जाएगा। अब आप इसमें देखोगे ध्यान देना कि इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा,
इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, बट ये टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे कितना वर्क हुआ, फिर यहां बढ़ा तो कुछ और वर्क हुआ होगा, यहाँ वर्क हुआ, मतलब जैसे जैसे हर जगह पे वो आगे पिस्टन ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है। ये टोटल टोटल यहां से लेके यहां तक बढ़ने के लिए उस पिस्टन में, मतलब जब डिस्प्लेस हुआ, मतलब जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है तो ये गैस टोटल कितना वर्क किया, जैसे जैसे पिस्टन ऊपर बढ़ता जाएगा गैस भी ऊपर बढ़ता चला जाएगा ना, क्योंकि वो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाइड करेगा। तो टोटल पहले हम लोग छोटू सा वर्क फाइंड करेंगे, मतलब डी डब्ल्यू मतलब छोटू सा वर्क, देन छोटू सा वर्क को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ू सा वर्क। बड़ू सा वर्क मतलब पूरे इस सिलेंडर के अंदर कितना वर्क हुआ है वो हमें मिल जाएगा। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो चलो करके दिखाता हूँ मैं दोस्तों, मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन आपको आता ही, और राहुल सर इंटीग्रेशन, राहुल सर जैसा तो पता ही भाई, अपने जीटी पे राहुल सर गोल्ड मेडलिस्ट। ओके, तो आपको बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, जीटीएन जितने भी जीटी जितनी है, जीटी की जितनी फैमिली है, सबको अच्छे से आता होगा। प्लीज नहीं आता होगा वीडियो जाके बार बार देखे और समझे, पर चलो थोड़ा बहुत मैं भी बता देता हूँ जितना है मुझे काम है इसके अंदर। तो दोस्तों जैसे यहाँ मैंने लिखा है, सबसे पहले वर्क इक्वल टू क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ये आपने सुना था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ फोर्स कौन है, प्रेशर। कौन है, प्रेशर। और डिस्प्लेसमेंट मतलब गैस ऊपर ऊपर बढ़ रहा है, मतलब कितना जगह घेर रहा है, मतलब कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैं एक ही की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक ही की बात कर रहा हूँ। तो इसका भी वॉल्यूम छोटू सा वर्क के लिए, चलो मैं पहले इसे लिख देता हूँ। ओके, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ये गैस कितना जगह घेरता जाता है, डिस्प्लेस हो रहा है ना, जगह क्या करता है, जगह घेर रहा है तो ऑक्यूपाई मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, नॉर्मली जो वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ काम कर रहा है, प्रेशर डिस्प्लेसमेंट यहाँ, वॉल्यूम जितना डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए मैंने एस के जगह पे यहाँ क्या लगा दिया, वॉल्यूम। ओके दोस्तों, ये मैं कन्वर्ट करके बता दिया। अब हम इंटीग्रेशन की तरफ, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी वी। ओके दोस्तों, हमें पूरे सिलेंडर का फाइंड करना है, पूरे सिलेंडर में कितना वर्क हुआ है, तो हम इसीलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। जैसे दोस्तों मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, जैसे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करूंगा, आपको पता है जैसे मैंने यहां लिया है इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, एक लिमिट भी अप्लाई करूंगा, कहां से कहां तक, इनिशियल वॉल्यूम टू जहां तक एक्सपांड हुआ, मतलब गैस इनिशियल टू फाइनल तक एक्सपांड हुआ, तो मुझे एक लिमिट भी बताना पड़ेगा ना दोस्तों, कहां से कहां तक वर्क फाइंड करना है। तो मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। अब अंदर वाला ये P into dV, मैंने इंटीग्रेशन, इस पे इंटीग्रेशन लगाया तो छोटू वर्क बड़े वर्क में कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट, यहाँ इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया दोस्तों, उसका टेंशन मत लेना। अब दोस्तों मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको जैसे पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, आइडल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी अजप्शन में हमने देखा था कि हमें क्या यूज करना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, देन पी के पी की वैल्यू पुट करना है, तो पी इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी। तो दोस्तों इस पी की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, एनआरटी अपॉन वी। पीवी इक्वल टू आइडल गैस इक्वेशन क्या था, पीवी इक्वल टू एनआरटी। देन पी की तरह चेंज करना है, वी डिवाइड में आ गया, तो हमारा क्या गया, एनआरटी अपॉन वी। तो मैं इसके जगह पे रख देता हूँ दोस्तों, ये रख दिया वी आई वी एफ एन आर टी अपॉन वी डी वी। ओके समझा, पी की जगह पे मैंने रखा क्योंकि पता ना पी वी इक्वल टू एन आर टी, आदत से मजबूर बार बार बताना चाहता हूँ। तो पी वी डिवाइड में आ गया, इसलिए मैंने ये ऐसा हो गया, अब कंफ्यूज ना हो जाओ दोस्तों। तो पी की जगह मैंने क्या रख दिया, एन आर टी अपॉन वी। जैसे ही मैंने एन आर टी अपॉन वी रख दिया, अब दोस्तों आप ध्यान दोगे तो यहाँ इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है दोस्तों, इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट ही होगी, एन मतलब नंबर कांस्टेंट है, आर का जो वैल्यू वो भी कांस्टेंट होता है, प्लस टेम्परेचर आइसोथर्मल के लिए क्या है कांस्टेंट है, तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी ऑफ अपॉन इंटीग्रेशन मतलब अपॉन बोल रहा हूँ वी आई वी आई टू वी एफ, और अंदर क्या बचा है डी वी अपॉन वी। ओ अब चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इतना तो आपको पता चल गया होगा। अब इंटीग्रेशन का टाइम आ गया है दोस्तों, अब मजा आएगा। तो दोस्तों आप मुझे बताओगे, मुझे कमेंट्स में फटाफट लिख के बताओगे, इंटीग्रेशन
ऑफ 1 बाय एक्स ऑफ डी एक्स, 1 बाय एक्स ऑफ डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स ऑफ डी एक्स क्या होता है, मुझे पता है सब लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, लॉग एक्स क्या होता है दोस्तों, लॉग एक्स। तो मैं यहाँ इन द टर्म ऑफ वी है, इन द टर्म ऑफ वी है दोस्तों। बट एक चीज और, केमिस्ट्री और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को सिंपल करने के लिए, डेरिवेशन को सिंपल करने के लिए हम इस कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ln मतलब नेचुरल लॉग x, नेचुरल लॉग x पहले बता दिया मैंने। हाँ बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक बार राहुल सर को भी ऐसे फोन आया था किसी का कि सर ये ln कैसे आ गया, ln समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। तो कॉमन लॉग को केमिस्ट्री और फिजिक्स में सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए हम कॉमन लॉग को किसमें लिखते हैं, नेचुरल लॉग में। तो इसको कैसे लिखे, नेचुरल लॉग ln x, नेचुरल लॉग x, ln x। तो अब मैं इसके जगह पे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, बट हम कॉमन लॉग को किसमें लिखते हैं, नेचुरल लॉग में। दोस्तों ये देखो ये, ओके तो मैं पूरा करके बता रहा हूं। अब आगे एन आर टी, इसके जगह पे क्या आ गया आपको पता है, एल एन एक्स। अब यहां इन द टर्म ऑफ वी है दोस्तों, ये तो मैंने एक्स के बारे में बताया, इन द टर्म ऑफ वी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक अप्लाई किया, फटाफट अप्लाई कर दो, वी आई अपॉन वी एफ। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते कि ये एल एन किधर से आ गया, तो बता दिया मैंने आज। तो दोस्तों एन आर टी, अब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा इसमें, इसके जगह पे वी एफ, फिर इसके बीच में माइनस, फिर वी आई, ये तो आपको पता होगा ना लिमिट। तो एल एन वी एफ माइनस एल एन वी आई, ओके फिर से एक लॉग हम करेंगे दोस्तों। आपको पता है, जैसे ये चीज पता है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स अपॉन वाई लिख सकते कि नहीं, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई तो क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स अपॉन वाई। पता है ना ये चीज, तो पता होगा यार दोस्तों, बहुत बार आपने किया, मैंने भी बताया था आपको, लर्निंग में ऐसा करवाया था। तो सेम टू सेम लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे एन आर टी, ऐसे लिखते हैं ना, मैंने बताया था, देखो एक बार और बताता हूँ, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई को हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, डिवाइड में एक्स अपॉन वाई। तो दोस्तों सेम टू सेम एन आर टी, ये हमारा लॉग है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो डिवाइड में लिखेंगे नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग वी अपॉन वी आई। ओके दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, डब्ल्यू, ये हमारा डब्ल्यू निकल गया दोस्तों, डब्ल्यू, ये हमारा डब्ल्यू निकल गया। बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक दोस्तों क्या बोलता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू बोलता है ना, तो मैं ऐसा लिखता हूं, जितना हम हीट देंगे उतना ही वर्क होगा, जितना मैंने हीट नीचे से दिया उतना ही तो वर्क हुआ था, जितना मैं हीट दूंगा उतना ही क्या होगा, वर्क होगा, जितना हीट दूंगा उतना ही वर्क होगा, ये मेरा कौन बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। देन दोस्तों चलो इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर वन, तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू क्या हो गया, एन आर टी एल एन वी एफ अपॉन वी एफ। ओके दोस्तों, तो जितना मैं हीट दूंगा उतना ही क्या होगा, वर्क होगा, जितना मैं हीट देने वाला हूँ उतना ही वर्क होगा। जैसे दोस्तों अब एक चीज और, इसके अंदर आपको पता है इंटरनल एनर्जी, इसके अंदर देखो यही हो गया, ये हमारा निकल गया डेरिवेशन, हमने वर्क का भी निकाल दिया, प्लस इसके अंदर जितना हम हीट करेंगे उतना ही क्या जनरेट होगा, वर्क जनरेट होने वाला है। दोस्तों अब दो चार चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, कि इसके अंदर जो ग्राफ आपको पता है ये, चलो मैं रफ करके ग्राफ पूरा बना देता हूँ, जल्दबाजी नहीं करते। तो दोस्तों अभी हमें ग्राफ देखना है छोटा सा आइसोथर्मल का, तो मैंने हाँ एक चीज़ और, आपको कभी कभी फिलिंग द लाइंस में आता है, एमसीक्यूज़ में आ जाता है पीवी डायग्राम और आइसोथर्मल प्रोसेस, इज कॉल्ड आइसोथर्म, क्या बोलते हैं आइसोथर्म, मतलब पीवी डायग्राम किसका, आइसोथर्मल का जो पीवी डायग्राम होता है इसको क्या बोलता है आइसोथर्म, हमें यहाँ बना के बता देता हूँ। दोस्तों आपको बनाने आना चाहिए खुद से, अब इतना सारा मैंने स्टार्टिंग सब कुछ चीज़ें बता दी, तो आपको ये सब चीज़ें करने आनी चाहिए। हमने ये लिया इनिशियल प्रेशर, ये लिया फाइनल प्रेशर, इसके बाद ये इनिशियल वॉल्यूम,
ये हो गया हमारा फाइनल वॉल्यूम। ओके दोस्तों, तो आपको पता है आइसोथर्मल में क्या होता है, जैसे ही मैंने नीचे से हीट दिया तो पिस्टन क्या, कांस्टेंट हीट, ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर मैंने दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, प्रेशर क्या होने लगा, क्योंकि पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाने लगा ना, पिस्टन दोस्तों अपने हिसाब से जैसा सिचुएशन बोला उस हिसाब से अपने को ड्रॉ करना है, तो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो गया, पिस्टन धीरे धीरे ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रेशर कम करो, ये इस लाइन पे आ रहा है, मतलब प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब इसको इधर लेके जाने का, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये हो गया क्या इसके अंदर, और यही किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, वैसे आइसोथर्म इसको बोलेंगे पीवी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, पीवी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, जब भी मैंने हीट दिया, हीट देने के बाद क्या हो, हीट देने के बाद का प्रोसेस होगा ना, हीट देने के बाद क्या होगा, वो जो क्या बोलते हैं, जो पिस्टन होगा, पिस्टन धीरे धीरे ऊपर बढ़ना स्टार्ट होगा, पिस्टन ऊपर बढ़ना स्टार्ट होगा, मतलब प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो प्रेशर देखो कम हो रहा है, प्रेशर एक्स मतलब वाई एक्सिस पे धीरे धीरे नीचे बढ़ रहा है, और वॉल्यूम ये सॉरी फोन आ गया था। तो दोस्तों ये है हमारा पीवी डायग्राम, किसके लिए पीवी डायग्राम है आपको पता चल गया, आइसोथर्मल के लिए। तो चलो चलते हैं दोस्तों आइसोबेरिक प्रोसेस। दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं आइसोबेरिक प्रोसेस, आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ मैंने ग्रीन करके कहा BAR मतलब बार होता है, और बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। तो इससे आप समझ याद रख सकते हो कि जिस भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम क्या होगा, वेरी होगा। ध्यान से सुनना, जिस भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या होगा, वेरी होगा, और प्रेशर क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा, वैसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोबेरिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच क्या होगा चेंज, कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज, प्रेशर इज अ कांस्टेंट, प्रेशर इज अ कांस्टेंट, और टेम्परेचर एंड वॉल्यूम क्या होगा, वेरी होगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या होगा, वेरी होगा, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोबेरिक प्रोसेस। और दोस्तों पानी जब हम बॉइल करेंगे एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे, ये एग्जांपल है, पानी को हम बॉइल कर रहे हैं, बॉइलिंग वाटर एट अ कांस्टेंट प्रेशर, वो हमारा एक एग्जांपल हो जाता है, किसका हो जाता है, आइसोबेरिक प्रोसेस। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर कोई भी चीज हो रहा है और वो उसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर जैसे मैंने एक बार रख दिया वैसे का वैसे ही, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसा जो मेरे लिए प्रोसेस हो जाएगा, मेरे लिए क्या हो जाएगा, आइसोबेरिक प्रोसेस। ओके दोस्तों, एक चीज मैं उस दिन बताना भूल गया था आप लोगों को, मतलब उस दिन नहीं, आधी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आइसोथर्मल में एक चीज बताना भूल गया था आपको, कि आइसोथर्मल के अंदर दोस्तों, जैसे मैं यहां आइसोथर्मल के अंदर जो मैं हीट दे रहा था, वो हीट कैसा था, वो जो टेम्परेचर था कांस्टेंट था, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अंदर के जो सिस्टम जो गैस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होगा दोस्तों, वो भी कांस्टेंट होगा, क्यों, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये इंटरनल चेंज कब होता है, जब हीट कम ज्यादा होता है, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है, अंदर कम ज्यादा होता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है, हीट चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा। बट आइसोथर्मल बताना भूल गया था, मुझे अभी याद आया, जब मैं ये लिख रहा था तो मैं आपको बताना भूल गया कि आइसोथर्मल के अंदर हीट कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो हमारा इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा, मतलब चेंज ही ना, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, जीरो मतलब कि चेंज ही नहीं, जो जैसा इंटरनल एनर्जी स्टार्टिंग में हो गया वैसे का वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, किसके अंदर, आइसोथर्मल के अंदर। क्यों आइसोथर्मल के अंदर, क्योंकि जो हम हीट देते हैं वो हीट कैसा होता है दोस्तों, जो टेम्परेचर देते हैं वो कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण इसके अंदर का इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके बट दोस्तों इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर कांस्टेंट उसको नहीं बोलेंगे, मतलब चेंज नहीं होता इंटरनल एनर्जी के अंदर। अब इसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों कि अब मैंने एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर को मैं हीट दे रहा हूं, इसके अंदर पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर मैं एक वेट रख देता हूं, वेट क्यों रखता हूं बताता हूं आपको, एक वेट रख देता हूं, और ये हमारा सिस्टम है, मतलब हमारा गैस है। जैसे ही मैं इस सिस्टम को हीट दूंगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, आइसोबेरिक में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ये पिस्टन के ऊपर वेट मैंने इसीलिए रखा है दोस्तों, वेट इसलिए रखा है
कि जो प्रेशर है वो चेंज ना हो, प्रेशर चेंज ना हो, इसलिए प्रेशर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए मैंने पिस्टन के ऊपर क्या रखा, वेट रखा है। प्रेशर को क्या बनाए रखने के लिए, कांस्टेंट बनाए रखने के लिए मैंने पिस्टन के ऊपर क्या रख दिया, वेट रख दिया है। अब मैं इससे हीट दे रहा हूं, अब हीट देखो आपको पता है कि हीट चेंज होता रहेगा, हीट क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। हीट क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल में हीट क्या होता रहेगा, चेंज होता। अगर हीट चेंज हो रहा है दोस्तों, हीट चेंज हो रहा है तो अंदर का इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब इसके अंदर ये हमारा जो टेम्परेचर होगा चेंज इन टेम्परेचर, ये भी चेंज होगा। फिर और क्या चेंज होने वाला है, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा। ये सही कर रहा है, इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज होगा, टेम्परेचर वेरी होता रहता है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, चेंज होगा। और प्लस इसके अंदर वर्क डन भी होगा, वर्क भी होगा कि वर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ऊपर ऊपर डिस्प्लेस करा तो वर्क भी होने वाला है। प्लस इसके अंदर दोस्तों क्या है जो जीरो होने वाला, प्रेशर चेंज इन अ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं होता, प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर कहां चेंज होता है, इसलिए चेंज इन अ प्रेशर इक्वल टू क्या है, जीरो। प्रेशर कांस्टेंट होता है, बाकी टेम्परेचर चेंज होता है, इंटर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, यू है वॉल्यूम नहीं है, ओके। और फिर इसके साथ ही हमारा जो वर्क है, वर्क भी तो होगा ही, वर्क होगा, ओके। बट चेंज इन अ प्रेशर, चेंज इन अ प्रेशर, प्रेशर कहां चेंज हो रहा है, इसलिए इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, जीरो। चेंज इन अ प्रेशर इक्वल टू जीरो। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। और हाँ, इसके अंदर का जो ग्राफ होता है, जैसे कि मैंने पीवी, इसके पहले आइसोथर्मल में आइसोथर्म बोलते हैं किसको, पीवी डायग्राम को आइसोथर्मल के आइसोथर्म बोलते हैं, और इसके अंदर आइसोबार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं दोस्तों। तो देखो वही सब लिखा है, मैं एक बार पढ़ देता हूं। द पीवी डायग्राम ऑफ एन आइसोबेरिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोबार। फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस नॉन ऑफ द क्वांटिटी डेल्टा यू, मतलब इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू क्यू एंड डब्ल्यू इज जीरो। नॉन ऑफ द क्वांटिटी फॉर एन आइसोबेरिक प्रोसेस नॉन ऑफ द क्वांटिटी डेल्टा यू क्यू एंड जीरो, मतलब इसमें से कोई भी क्वांटिटी जीरो नहीं होती। तो दोस्तों अब फिफ्थ, द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सही बात है, बता चुका हूँ प्रेशर क्या होता है, इसके अंदर कॉन्स्टेंट होता है, तो प्रेशर क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा डेरिवेशन है, जिसके अंदर सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे, वर्क निकालने के बाद उसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के हिसाब से हीट एक्सचेंज कितना हो इक्वेट कर दें, इक्वेट करके हमारा क्यू फाइंड हो जाएगा दोस्तों। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा डेरिवेशन, और हमें उससे कंक्लूजन क्या मिलता है वो लास्ट में हम देखेंगे दोस्तों, ओके। तो चलो करते हैं दोस्तों, डब्ल्यू इक्वल टू पी डी। तो चलो मैं यहाँ पहले ऐसा लिखता हूँ, जैसे आपको पता है, चलो डब्ल्यू इक्वल टू पी डी, ओके, पी वी, पी इंटू वी, पी इंटू वी, दोस्तों ध्यान देना, पी इंटू वी। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। तो एन आर टी, यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना दोस्तों, टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, पी वी इक्वल टू यहाँ पी वी, ये पी वी है, तो ऐसा समझ, चलो ये पी वी है, तो पी वी की जगह पे हम क्या रखेंगे, एन आर टी, पी वी के, क्योंकि पी वी इक्वल टू पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, तो पी वी की जगह पे क्या रखेंगे, एन आर टी। तो चलो रखता हूँ एन आर, और टी को दोस्तों कैसे रखूंगा, टी एफ माइनस टी आई, टी एफ माइनस टी आई, ओके दोस्तों। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर वन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन, ओके। अब चलते हैं आगे, चेंज चेंज इन इन इंटरनल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज गिवन एज, ये याद रखना दोस्तों जो मैं लिखने वाला हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये आपके लिए अगर नया होगा तो इसको याद रखना, वैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ओके। इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा यू इक्वल, डेल्टा यू इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल, ये हमारा सी वी क्या है मैं बताता हूँ, इंटू डेल्टा टी। थोड़ा इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ, सी वी डेल्टा टी, तो दोस्तों टेम्परेचर चेंज होता है, तो मैं इसको लिखूंगा टी एफ माइनस टी आई, टी एफ माइनस टी आई। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर, आपको बताने के लिए वेयर सी वी क्या है, चलो कमेंट्स करके बताओ मुझे सी वी क्या है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। दोस्तों बता दिया मैंने सीवी क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये मैंने लिख दिया। अब दोस्तों ये आपको पता चल गया क्या है, डेल्टा क्यू मिल गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड हमने दे दिया। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं, वेयर सीवी इज ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक्स आपको पता होगा, हीट एक्सचेंज का जो मैंने बताया, हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम क्या था दोस्तों, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यही था ना, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम क्यू इक्वल डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, हमने पढ़ाया था मैंने। अब डेल्टा यू कितना है दोस्तों, एन सी वी टी एफ माइनस टी आई, ओके, और W कितना है, एन आर टी एफ माइनस टी आई, ओके। तो दोस्तों ये आपको कहां से पता चल गया, फ्रॉम वन एंड टू से पता चल गया। अब दोस्तों ध्यान दोगे तो दोनों में टी एफ माइनस टी आई कॉमन है, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं, एन ये नंबर ऑफ मोल है प्लस एन आर, ये देखो ये दोनों, क्योंकि इसके अंदर कॉमन क्या है दोस्तों, टी एफ माइनस टी आई, ध्यान दो, दोनों में से मैंने टी एफ टी आई बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचे, एन स्पेसिफिक हीट एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और दोस्तों यहाँ एन सी ऑफ बी, और ये क्या हमारा एन सी आर, ओके, दोनों हमने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने का दोस्तों आपको ये पता रहना चाहिए, अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता चलो मैं इसको थोड़ा और, अब ये दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, एन कॉमन है, अंदर क्या बचा, सी वी प्लस आर टी एफ माइनस टी आई, अब दोस्तों बट सी वी प्लस आर इक्वल टू सी पी होता है, ओके, सी वी प्लस आर इक्वल टू सी वी होता है, ये होता है स्पेसिफिक हीट एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर, सी वी और प्लस यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट को अगर मैं प्लस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, स्पेसिफिक हीट एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर मिलेगा, तो मैं इसके जगह पे डायरेक्ट रिप्लेस कर सकता हूं, एन सी पी टी एफ माइनस टी आई, ओके। तो दोस्तों ये हमारा हो गया फाइनल, हमने हीट एक्सचेंज निकाल लिया, हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम ये हमने फाइंड कर लिया दोस्तों, हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो दोस्तों अब इससे हमें कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला दोस्तों कि अगर आपने ये देखा होगा कि अगर हम हीट सप्लाई करते हैं, जितना हम हीट सप्लाई करते हैं अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या होता है, चेंज होता है, मतलब हीट जितना सप्लाई होगा उतना अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो इससे हमें पता चला कि जितना हीट सप्लाई करेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, सही बात है कि नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, वेरी होता रहता है, यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, वेरी होता है, देखो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो, वेरी होता है, और टेम्परेचर वेरी हो रहा है तो अंदर का इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, चेंज हो गया, तो मैंने पहले बता दिया। तो ये दोस्तों अगर कभी एग्जाम में आया कि आपको हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम ये फाइंड करना है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, या तो वर्क डन फाइंड करना है तो वर्क डन हीट एक्सचेंज फाइंड करना तो हीट एक्सचेंज आराम से इसे क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। दोस्तों मैंने पूरा करके आपको बता दिया, तो आई थिंक आपको ये पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों, और यहाँ आपका ख़त्म होता है। चलो और एक चीज़ मैंने बताया नहीं आपको, इसका ग्राफ, चलो मैं ग्राफ यहीं बता देता हूँ दोस्तों, कौन रफ करने जाएगा, ये हमारा वी आई, ये हमारा वी एफ, ये हमारा पी आई, ये हमारा पी एफ, मतलब पी आई मतलब इनिशियल प्रेशर, ये हमारा फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। इसमें दोस्तों ये सब हमने डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें क्या प्रेशर कॉन्स्टेंट है,
ये सिस्टम यहाँ से स्टार्ट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वो ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा, कम ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट वॉल्यूम चेंज हो रहा था, सो वॉल्यूम चेंज हो रहा था, वॉल्यूम कैसे चेंज होता है ऐसे, तो प्रेशर के लिए ऊपर नीचे जाता था, इस पर ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं क्योंकि प्रेशर क्या है कॉन्स्टेंट है, बट वॉल्यूम के लिए वो कैसे जाएगा सीधे ए बी, ओके एक्स एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा, तो हमें इससे पता चल गया देखो इसका बस ऐसा ही रहेगा, इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ क्या प्रेशर कांस्टेंट की प्रेशर, देखो हर जितना यहाँ पॉइंट है हर प्रेशर एक ही पॉइंट पे प्रेशर, क्योंकि प्रेशर जब ऊपर नीचे जाता है ऐसे बढ़ता है ऐसे बढ़ता तो प्रेशर चेंज होता है, बट प्रेशर एक ही जगह पे चेंज ऐसे चेंज हो रहा है, मतलब क्या चेंज हो रहा है वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसका ये आइसोबार मतलब पीवी डायग्राम का, ये पीवी डायग्राम है किसका आइसोबेरिक प्रोसेस का, ओके तो दोस्तों यहाँ आपका ये पूरी तरह से आइसोबेरिक प्रोसेस खत्म हो रहा है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, आज मैंने दो टॉपिक कवर किया आइसोथर्मल एंड आइसोबेरिक प्रोसेस, इसके साथ ही आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।